1, 2, 3, come on. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग के चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक 15 डेज बैक हमने मारुति एस्प्रेसो खरीदा था, तो लास्ट 15-20 डेज से मैं कार यूज़ किया हुआ है, तो ऑलरेडी हमने 3000 किलोमीटर्स चलाया, तो आपको डिटेल में रिव्यू देते हैं कैसे आपको ऑर्डिनरी कार को एक्स्ट्राऑर्डिनरी में ले सकता है। मतलब जो बेसिक मॉडल आता है बहुत बेसिक होता है, तो आपको थोड़ा एडिशनल एक्सेसरीज डालने की वजह से इसमें अच्छा खासा लुक ला सकता है। तो आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों दिखाएंगे। उसका पहले हमने जो भी एक्सेसरीज इसमें ऐड किया हुआ है तो वो आपको बताएंगे, तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर आप एस्प्रेसो खरीदना चाहते हैं तो आपको ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमने फुल एक्सेसरीज डाला हुआ है इसमें। दो चीज़ें एक कार को बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, वो ये के व्हील्स, मैग व्हील्स, अलॉय व्हील्स हमने डाला हुआ है। तो ओरिजिनल व्हील्स आते हैं 14 इंच का, हमने इसमें रिक्वेस्ट करके 15 इंच का व्हील्स डाला हुआ है। 16 इंच का रिक्वेस्ट किया था, विच इज़ नॉट कंपैटिबल विद दिस मॉडल। तो जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आप शोरूम में कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि वो लोग आपको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। जिस एक्सटीरियर हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, ये जो नीचे का स्किड प्लेट है ये हमने एडिशनल ऐड किया था इसको, और ये जो क्रोम से आपको नहीं आते ये भी एडिशनल ऐड किया, इसको हमको एडिशनल पे करना पड़ता है। फिर DRS डे रनिंग लाइट आपको ऑप्शन इधर डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला उसको, शायद नेक्स्ट टाइम हम डालेंगे उसके लिए। और फ्रंट में और कुछ खास ऐड नहीं किया, ये जो एक स्टिकर है हमने ये ऐड किया, ये शोरूम में ऐड नहीं करते, हम बाहर से करवाए थे इसका बारे में आपको अपडेट देते हैं। तो साइड में जो मिरर है, मिरर गार्निश है, तो इसका जो लुक है अभी मेन आप साइड व्यू में देखते हैं तो आपको ये एस्प्रेसो जैसा दिखता ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमने बहुत मॉडिफिकेशन किया। स्पेशली ये जो आपको व्हील्स दिख रहा है, ये हमने 15 इंच का व्हील्स डाला हुआ है, तो अलॉय व्हील ये हमने शोरूम से डलवाया, विच इज़ कंपेटेबल। 16 इंच का हमने रिक्वेस्ट किया, वो नहीं डाल सकते, आप इधर देख सकते बहुत ही अच्छा लुक है, बट लिमिटेड हमको ऑप्शन था, खाली 3 डिज़ाइन उन्होंने दिया था, आउट ऑफ 3 हमने ये सेलेक्ट किया। अगर आप बाहर से डालते हैं तो आपको डाल सकते हैं, तो हमको एक डाउट था इसमें कंपेटेबल है नहीं है करके, इसके लिए हमने शोरूम से डलवाया था। अगर आप थोड़ा ब्रॉड मैग व्हील डाल के व्हील्स भी थोड़ा फ्लैट एंड वाइड व्हील्स डालेंगे तो और भी इसमें अच्छा लुक आता है। ये जो स्किड प्लेट्स है रेयर, ये भी हमने एडिशनल डाला था, इसका वजह से भी थोड़ा लुक आ रहा है। और ये जो स्टिकर है ये हमने बाहर से डलवाया, ये शोरूम में नहीं आते, और इसको हमने इधर से विनाइल रैपिंग करवाया। ये जो ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। तो एक कार हमने खरीदा वाइफ के लिए, तो लेडीज़ को चलाने के लिए अच्छा है। और एक खास बात है, दो तीन चीज़ हमने कंसिडर किया था, एक लेडीज ड्राइव के लिए कंफर्टेबल हो इसके लिए, और आप ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। हमने 15 इंच का टायर डालने का वजह से और भी 20-25 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया। नॉर्मली 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है इसमें, तो आप 1 इंच बढ़ाने से 200-210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आ जाते हैं, आपको इधर देख सकते हैं। तो हमने अभी एक महीने से चलाया, घाट सेक्शन में सिटी रोड्स में पूरा चलाया, बट फिर भी कंफर्टेबल है। किधर भी हमको नीचे अभी तक एक भी जगह में नीचे टच नहीं किया हो, तो हम फुल 5 लोग भी बैठ के चलाए हुआ। और पीछे के साइड से ये जो
को हमें ये इसको हमने ऐड करवाया था और ये भी एडिशनल हमने ऐड किया हुआ है, ये भी आपको ब्यूटीफुल लिख दे रहा है। और खास बात हमने इसमें रिवर्स कैमरा लगवाया, ये सबके लिए आसान है। अगर आपको पार्किंग के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं रिवर्स कैमरा, खाली 5000 रुपीस आपको एडिशनल पे करना पड़ता है। ये था हमारा जो एक्सटीरियर रिव्यू, आउटसाइड से आपको कैसा दिखता है करके। जो इंटीरियर हमने मॉडिफिकेशन करवाया वो हम देखते हैं। तो आपको खास बात यही है, इसमें एक मेन दो अलॉय व्हील्स है, 1 इंच का बड़ा आया हुआ 15 इंच का अलॉय व्हील्स है और विनाइल रैपिंग है ऊपर का तरफ से। तो ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत मस्त दिखता है आपको साइड व्यू से। अभी हम तो इंटीरियर का बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो डोर में एक टिश्यू बॉक्स लगवाया, ये जो इधर आपको अगर डैशबोर्ड में लगते हैं तो वो आपको ड्राइंग में भी डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, बट इधर बहुत ही कंफर्टेबल है। साइड में आप लेफ्ट या राइट साइड किधर भी रख सकते हैं वाटर बॉटल की जगह में, तो एक चीज़ है बहुत कंफर्टेबल है। और हमने मैट्स जो रेगुलर मैट्स आते हैं वो नहीं यूज़ किया, वो एडिशनल दूसरा मैट्स हमने पे करके डाला हुआ है। तो ये मैट्स भी आपको अच्छा लुक दे रहे हैं। उसके बाद में स्टीयरिंग कवर ये भी एडिशनल में डाला हुआ है और सीट कवर्स ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। सीट कवर इसको बहुत कंफर्टेबल है और अच्छा लुक दे रहा है। इसके अलावा आप पीछे का साइड में देखते हैं तो सेम है, इधर भी हमने मैट्स डाला हुआ है और सीट कवर्स डाला हुआ है, तो 3 लोग आराम से इधर बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल स्पेस है। और आप इधर देख सकते हैं, इधर बहुत ही कंफर्टेबल गैप है। जो हमने पहले रिव्यू देखने के टाइम में बहुत कम जगह ऐसा लग रहा था, बट आपको आराम से इधर बैठ सकता है। अगर 4 लोग ट्रैवल करने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे, अगर पतला वाला बैठते हैं तो 3 लोग कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। तो इसके अलावा फ्रंट में आपको मेन चीज़ ये है, जो मैंने पहले रिव्यू देखा था हम खरीदने का पहले, उसमें एक कमेंट मेरे को हमेशा नेगेटिव लग रहा था, 100 को ऊपर थोड़ा जो कंपैरिजन करते हैं बहुत ही प्रोफेशनली रिव्यू करते हैं उनका रिव्यू था कि इसमें थोड़ा स्लाइट आपको फ्लोटिंग का ये हो जाता है करके। बट आपको एक खास बात बोल रहा हूँ, जो है मैं चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक में, तो इधर आपको ज़्यादा से हिल स्टेशंस होता है, आपको उतना स्पीड में जाने का मौका ही नहीं मिलता है। हमने हाईवे में इसको 120 तक चलाया, कुछ आपको ज़्यादा ये नहीं हुआ। बट एक चीज़ है, थोड़ा आपको ऐसा रोल होने का जैसा थोड़ा फील आता है कि आप 80 का ऊपर चलाते हैं। तो आपको एडवाइस यही है कि अगर आप 80 का स्पीड में चलाते हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहता है, अगर आप 60 का स्पीड में ये कार को चलाता है तो आपको बहुत ही अच्छा माइलेज दे रहा है ये कार। माइलेज के बारे में आपको अपडेट देते हैं। तो स्पीड के बारे में हम बात किया, तो अगर आपको सेफ्टी के लिए आर्म रेस्ट लगा सकते हैं लेफ्ट, मतलब आपको ये थोड़ा कंफर्टेबल रहता है और अच्छा लुक भी देखते हैं। तो ये हमने एडिशनल 2000 रुपीस एडिशनल लगता है, ये बाहर से हमने लगवाया आप देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा स्टोरेज स्पेस भी है ये एक है, बट इसमें एक ही दिक्कत है, आपको हैंड ब्रेक निकालने का टाइम में मैं ऑब्जर्व किया ये खाली हाफ ब्रेक जाता है। तो आपको सजेशन यही है, आप हमेशा इंडिकेशन देख लीजिए और अगर आप एक्सपीरियंस ले तो आपको पता चलता है हैंड ब्रेक निकालने का टाइम में। तो अभी हम इस कार को चालू करके इसके बारे में थोड़ा अपडेट्स देख लेते। स्क्रीन है LED स्क्रीन, इसमें साथ में आया। और आपको जो नीचे इधर चार्जिंग का ऑप्शन है और आपको एक मिनट में थोड़ा इसमें ओके इसमें USB चार्जिंग का 12 वोल्ट का ऑप्शन है और एक्स भी लगा सकते हैं, एक्स केबल और USB हमने लगाया हुआ है। तो इधर AC का ऑप्शन है, VXI प्लस मॉडल में, VXI का प्लस मॉडल में AC का ऑप्शन है। बहुत
अच्छा परफॉर्मेंस है एसी का, और जितना भी हमने अभी तक कार चलाया विथ एसी चलाया था, जो क्योंकि मैं अभी हॉलीडेज में, तो एक महीने के लिए हमने विथ एसी चलाया, और दो फ्रंट का दो भी पावर विंडो है, आप देख सकते हैं पावर विंडो फ्रंट का बोथ ड्राइवर एंड पैसेंजर का। और इसमें ये आपको स्पीड है, और आप रेंज देख सकते हैं, और इधर भी एक ऑप्शन है, अभी आपको एवरेज माइलेज दिखा रहे 18.3। फिर से मैं आपको बोलता हूँ, ये जो एवरेज माइलेज दिखा रहे हमने फुल एसी में चलाया था 3000 किलोमीटर, इसके लिए थोड़ा कम है, और थोड़ा हमारा जो स्पीड है 80 का एबो 80 हमने चलाया। अगर आप 60 का स्पीड में चलाता है तो शायद आपको बहुत ही अच्छा माइलेज देते हैं, हमने जो रनिंग में इसमें बहुत ऑब्जर्व किया हुआ है। आपको जितना आप एक्सलेटर देता है उतना वो फ्यूल कंजम्पशन होता है, तो आपको कंफर्टेबल स्पीड में आप चलाते हैं तो आप ज़्यादा एक्सलेटर प्रेस नहीं करते, इसके लिए आपको माइलेज अच्छा खासा मिल जाता है। तो आपको देखिए 3379 किलोमीटर अभी तक हमने चलाया हुआ है इसमें। मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, आउक्स केबल से भी डाल सकते हैं, यूएसबी डाल सकते हैं, हमने एडिशनल ऑफर नहीं डाला। अगर आप आपको म्यूज़िक पसंद है तो आपको एडिशनल ऑफर डाल के इसका परफॉर्मेंस और भी बढ़ा सकते हैं, बट ये बहुत जो ओरिजिनल वाला था ये बहुत आपको कंफर्टेबल है, बट हम पसंद नहीं करते क्योंकि ये आपको ड्राइविंग का टाइम में डिस्टर्बेंस करते हैं। और इसका साथ में दो एयरबैग्स है जो ड्राइवर एंड पैसेंजर का साइड में, और इधर आपको मोबाइल कुछ रखने का स्पेस भी है, और ये डैशबोर्ड है, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें रख सकते हैं। अगर अभी देख लीजिए, मैं हैंड ब्रेक इसमें निकाल दिया, तो ये अभी है रिवर्स कैमरा, आप देख सकते हैं इधर रिवर्स कैमरा डालने का एडवांटेज ये, और मेरे का पीछे का साइड में कंपाउंड वाले, तो अभी ये वार्निंग दे रहे हैं, ये आप 5000 रुपीज़ स्पेंड करके इसका ऑप्शन डाल सकते हैं। अगर आपका पास छोटा पार्किंग स्पेस है, कुछ पार्किंग का इशू है, तो आपको तो ये कार कंफर्टेबल रहेगा। पीछे का साइड का विंडो है, ये मैनुअल है, तो पीछे बच्चे लोग बैठते हैं तो हमारा हमेशा ये लोग विंडो को ग्लास को ऊपर नीचे करते हैं, हमारा बहुत छोटा बच्चा है, तो ये एक आपको पावर विंडो कर सकते हैं जो हमने पहले नहीं करवाया था। और चाइल्ड लॉक ऑप्शन तो पूरा कार में होता है, आपको डोर लॉक का कुछ टेंशन नहीं है, खाली ये एक पावर विंडो करवाना था वो हमने नहीं किया। और जो पार्किंग का स्पेस का बात कर रहे हैं हम, आपको हम पार्क करके बताते हैं, ये पार्किंग स्पेस है, आपको हमारे पास स्विफ्ट डिज़ायर भी है, अगर वो हम पार्क करते हैं तो हमको इधर गेट बंद नहीं कर सकते, ये छोटा स्पेस है। तो ऑलरेडी हमने अंदर पार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं अभी ये पार्किंग का स्पेस फुल हो गया, मतलब आप एग्जैक्टली एक कार ये पार्क हो सकता है अंदर, जो पीछे इतना स्पेस बचा है, तो हमको आगे पीछे वर्किंग स्पेस मिलता है जाने का आने के लिए, तो पीछे के साइड में उसका बाद में हमको एग्जैक्टली इतना स्पेस सामने से है। तो ये पार्किंग छोटा पार्किंग स्पेस के लिए बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है, अब सामने से भी थोड़ा जगह है और पीछे से इतना गैप है, तो ओवरऑल कार का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंफर्टेबल है, हम 3000 किलोमीटर चलाया, बहुत लॉन्ग जर्नी भी किया हुआ, तो हमको बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं ऊपर से इसका लुक, और ये कलर कॉम्बिनेशन
अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।